सोमवार दोपहर बायतू के पास एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाड़मेर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भाजपा महामंत्री संपत बोत्रा की मौत हो गई। हादसे की खबर के बाद उनके चित परिचित घटना की जानकारी ले कोई अस्पताल पहुंचा तो कोई उनके निवास। इस घटना की खबर मिलते ही कोर्ट परिसर में अजीब सा सन्नाटा और अधिवक्ताओं के चेहरों पर मायूसी छाई नजर आई। बाड़मेर में सोमवार को ट्रक और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में भाजपा महामंत्री संपत राज बोथरा की मौत हो गई, जो पेशे से वकील थे। भिड़ंत के बाद ट्रक हाईवे पर पलट गया। हाईवे पर 10 से 15 मिनट तक का जाम लगा। पुलिस ने मृतक के शव को बायतू मोर्चरी में रखवाया। उसके बाद घायल ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के अनुसार सोमवार को बाड़मेर शहर निवासी संपत राज बोथरा जोधपुर से कार में बाड़मेर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान बायतू पंजी गाँव में सामने से आ रही कार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के आगे के हिस्से के पर खच्चे उड़ गए। कार में सवार संपतराज बोथरा पुत्र आशुलाल को बायतू अस्पताल की मोर्चरी लाया गया। डॉक्टरों ने यहां मृत घोषित कर दिया। रविवार को जोधपुर अपने कोर्ट के काम गए थे। आपको बता दें कि इस सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले संपतराज बोथरा 37 साल से वकालत कर रहे हैं। शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका नाता रहा है। बजरंग दल के बाड़मेर प्रमुख रहने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री भी रह चुके हैं। बाड़मेर में बार काउंसिल के वह कोषाध्यक्ष और सचिव भी रह चुके हैं। बाड़मेर जैन श्री संघ के अध्यक्ष और बोथरा भाईपा के महामंत्री भी रह चुके हैं। जैन श्री संघ के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने महावीर वाटिका के निर्माण के साथ साथ कई कार्य अंजाम दिए। आपातकाल के दौरान वह अपने चाचा ऋषभदास बोथरा के साथ सक्रिय रहे। सामाजिक कार्यों से जुड़े बोथरा मूलतः चौटन के रहने वाले हैं और समाज के लिए इनकी किए गए कार्यों के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इनके एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं। बोथरा का अंतिम संस्कार सोमवार को ही किया गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता संपतराज बोथरा के सड़क हादसे में निधन के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बोथरा के आवास पहुंचे। वहीं राजस्थान गोसेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन भी उनके आवास पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाते नजर आए।